क्या मुसीबत है ये? क्या मसला है भाई, क्यों फोन कर रहे हो मुझे? फायदा, मुझे तुमसे कुछ कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। अपनी वो बेहुदा बकवास अपने पास रखो, मुझे नहीं सुनना कुछ भी। फायदा, वो बकवास नहीं है, मेरे जज्बात और मेरे दिल की आवाज को तुम बकवास कहकर शर्मिंदा नहीं कर सकती। एक मिनट, शर्मिंदा भी वो लोग होते हैं जिनके अंदर एहसास होते हैं। तुम जैसे लोग शर्मिंदा नहीं हो सकते। देखो फायजा, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो मुझे तुम्हारी तरह ये डायलॉग बोलना नहीं आते। जी, लेकिन फिल्मी डायलॉग्स बोलना आपको खूब आते। हाँ, वो तो मुझे जरूर आता है, क्योंकि तुम्हें पता है ना मुझे फिल्में देखने का कितना शौक है। और पता है, मैंने 200 से ज्यादा है ना फिल्मों की लिस्ट बना के रखी हुई है, जो हम शादी के बाद है ना मिलकर देखेंगे अपने न्यू LCD टीवी पर, वो भी चश्मा लगाकर। ओ हेलो, क्या पागल हो गए हो? कौन सी शादी, किसकी शादी, क्या बोले चले जा रहे हो? लो, तुम्हें पता ही नहीं है, मेरी अम्मी ने आंटी से बात करके हमारा रिश्ता पक्का कर लिया। और तुम्हें पता है, जमाल भाई की जिस दिन शादी है ना, उसी दिन हमारी ना मंगनी हो जाएगी। भाई भाई फैजा, मैं तो बहुत ही खुश हूँ। अपनी बकवास को बंद करो, और आज के बाद अगर मुझे फोन किया ना तो बहुत बुरा होगा। शादी तो फैजा मैं तुमसे ही करूंगा। मेरी बात सुने, ये किसने मेरा रिश्ता कबूल किया है? कौन सा रिश्ता, क्या बात कर रही हो तुम? ज्यादा अनजान बनने की जरूरत नहीं है, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है कि आपको कुछ ना बताओ। कमाल की बात कर रही हो। वाह, इसका मतलब है कि आपको पता है और आपने मुझसे ये बात छुपाई है। मुझे सिर्फ इतना बता दें कि किसने मेरी इजाजत के बगैर इस रिश्ते की हामी भरी है। फायजा, ऐसी कोई बात नहीं है, हम क्या दुश्मन है तुम्हारे? मेरी बात सुन, उसकी अभी कॉल आई थी और वो कह रहा ना तो सिर्फ हामी भरी गई रिश्ते की, बल्कि अम्मी ने कहा है कि शादी वाले दिन मेरी और उसकी मंगनी भी होगी। वो झूठ बोल रहा है। देखो, ऐसी उनकी ख्वाहिश जरूर है, लेकिन अम्मी ने ऐसी वैसी कोई हामी नहीं भरी अभी तक। वो मुझे क्यों बोल रहा है वो सब कुछ? ये मुझे क्या पता फायजा, और मेरा यकीन करो, अम्मी ने ऐसी वैसी कोई बात नहीं की। आप पे तो मुझे अपने आप से भी ज्यादा यकीन है, लेकिन ये सब कुछ क्या अजीब। तो फिर ये छोटी मोटी बातों पे भड़क मत जाया करो। चलो अब तुम कमरे में जाओ, मैं बर्तन धो के आती हूँ। मैं भी हेल्प करा देती हूँ आपकी। नहीं, तुम जाओ, मैं धो लूंगी।